तो भाई इस छोटी सी कहानी में ना तुम्हारे फायदे की बात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बस इस कहानी को गौर से सुनना। तो भाई बात ये है कि मैं ना पहले बहुत गरीब हुआ करता था। तो फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा, अरे बेटा फारिग फिरते रहते हो, कोई नौकरी कर लो। तो भाई मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और मैं अमीर हो गया। फिर मुझसे एक दिन कहा गया, अरे बेटा आप तो अच्छे भले पैसे कमा रहे हो, जाओ ट्रेवलिंग पे जाओ, अल्लाह की खूबसूरत बनाई हुई दुनिया को देखो, अरे यही तो उम्र होती है। तो भाई मैंने सारे पैसे ट्रैवलिंग पे लगा दिए और मैं फिर से गरीब हो गया। फिर मुझसे एक दिन कहा गया, अरे बेटा ये नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, बंदे का ना अपना कारोबार होना चाहिए आज के दौर में। तो भाई ये सुन के मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी और मैं फिर से अमीर हो गया। फिर मुझसे कहा गया, अरे बेटा आप तो अच्छे पैसे कमाने लग गए हो, लाइफ सेट हो गई है तुम्हारी, शादी कर लो, लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। तो मैंने शादी कर ली और शादी के बाद मेरी बेगम रोज शॉपिंग करती थी, तो मैं फिर से गरीब हो गया। फिर मुझे एक दिन पता चला, अरे बेटा सेवियर डाउनलोड कर लो, वैसे भी दराज मोबाइल वीक चल रहा है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे अप टू 15% कैशबैक दे रहा है। तो भाई सेवियर के थ्रू शॉपिंग करने में पहले तो मुझे दराज की तरफ से डिस्काउंट मिला, फिर मुझे क्रेडिट कार्ड पे बैंक की तरफ से डिस्काउंट मिला, और फिर सेवियर की तरफ से अप टू 15% का कैशबैक मिला, और चेरी ऑन टॉप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू साइन अप किया तो 150 का कैश रिवॉर्ड मिला, मतलब मैं फिर से अमीर हो गया। सुनिए वो मैंने ना ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया है, 80,000 रुपए का था, आपके क्रेडिट कार्ड से ना पे कर दिया। 80,000, मैं फिर से गरीब हो गया। तौबा है भाई, ये क्या हर वक्त अमीर गरीब लगा रखा है। टेंशन ना लें, सेवियर के थ्रू किया है, ये रहा आपका 15% कैश बैक। कैश बैक, मैं फिर से अमीर हो गया। कहानी गौर से सुनने का शुक्रिया।